नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले अतुल ई लाइट प्लस ई रिक्शा के प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर आप लेना चाहते हैं अतुल ई लाइट प्लस ई रिक्शा को लोन पे, तो आप इसकी लोन अमाउंट क्या निकल के आएगी, महीने की ईएमआई क्या निकल के आएगी, सारी बातें वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अतुल ई लाइट प्लस ई रिक्शा के स्पेसिफिकेशन की। पावर आपको इसमें 1 किलो वॉट देखने को मिल जाती है। पे लोड आपको इसमें 400 kg। मैक्सिमम ऑफ टायर की बात करें तो इसमें आपको 3 टायर मिलेंगे। वहीं मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड आपको 24 किलोमीटर पर आवर्स की। वहीं चेजिस टाइप की बात करें तो चेजिस विद कैबिन आपको इसमें देखने को मिलेगा। वहीं सीटिंग कैपेसिटी, एक ड्राइवर प्लस आप 4 पैसेंजर को इस ई रिक्शा में बिठा सकते हैं। वहीं ब्रेक टाइप में आपको इसमें ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। बैटरी वोल्टेज की बात करें तो ये आपको 48V लीड एसिड बैटरी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं अतुल ई लाइट प्लस ई रिक्शा के प्राइस की, लोन की एमआई की। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो इसके एक्स शोरूम प्राइस आपको 1,12,000 रुपये देखने को मिल जाती है दिल्ली में। एक्स शोरूम प्राइस आपको हर एक शहर में यही देखने को मिलेगी। आरटीओ अमाउंट की बात करें तो आरटीओ आपको इसमें देना होगा 12,470 रुपये। इंश्योरेंस अमाउंट आपको पड़ेगा 5,530 रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑन रोड प्राइस में हम जोड़ते हैं एक्स शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस और अदर चार्ज को जोड़कर आपकी ऑन रोड प्राइस निकल के आती है। ऑन रोड प्राइस वो होती है जिस प्राइस में हम गाड़ी को अपने घर लेके आते हैं। तो आपको अतुल ई लिटिल रिक्शा की ऑन रोड प्राइस 1,30,000 रुपये देखने को मिलेगी। अगर आप कराना चाहते हैं अतुल ई लाइट रिक्शा को फाइनेंस करते हैं डाउन पेमेंट 60,000 रुपये की, तो आप किसकी लोन अमाउंट 70,000 रुपये निकल के आती है। अगर आप कराते हैं इसे किसी भी बैंक की या कंपनी से फाइनेंस, अगर रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% और लेते हैं टाइम अगले 3 साल आप इसकी लोन अमाउंट को कंप्लीट करने के लिए, तो आप किसकी महीने की ईएमआई 2,291 रुपये पर मंथ निकल के आती है। तो आपको अतुल ई लाइट प्लस ई रिक्शा की प्राइस स्पेसिफिकेशन लोन ईएमआई वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।